जनपद प्रतापगढ़ में है। आज हम एक बयान डॉक्टर पुंडरीक द्विवेदी चेस्ट फिजिशियन है, ये जनता के नाम कोरोना वायरस से संबंधित कौन से बचाव जनता करे और कौन से जानकारी देंगे डॉक्टर साहब, बहुत ही बहुमूल्य जानकारी है। आइए तो फिर हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये कोरोना वायरस के संबंध में आप चेस्ट फिजिशियन है, इसके बारे में कौन सा संदेश देना चाहते हैं जनपद प्रतापगढ़ की जनता जनार्दन एवं प्रदेश की जनता को? जी, सबसे पहले मैं डॉक्टर पुंडरीक द्विवेदी चेस्ट फिजिशियन ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी भयभीत हुए हैं लोग कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से, इससे पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कोरोना वायरस एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरस का एक पर्टिकुलर वायरस है जो अभी वुहान चाइना के डिस्ट्रिक्ट से फैल के एपिडेमिक का रूप ले लिया है और कम से कम 135 देशों में फैल चुका है। ये बहुत ही संक्रामक बीमारी है, वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए ये जल्दी से स्प्रेड होता है और अपने इंडिया में भी आ चुका है। अभी तक 115 केस डिटेक्ट हुए हैं अपने इलाहाबाद में, अभी तक तो कोई ऐसे कंफर्म केस नहीं है, इसलिए इलाहाबाद और नज़दीक जो जनपद हैं उनमें किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वायरस जैसे नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वैसी एक बीमारी है। इसके लक्षण ये हैं, खांसी आना, तेज बुखार आना, गले में खराश रहना, सांस लेने में डिफिकल्टी होना और नाक बहना, ये चारों सिम्टम्स हैं इसके मेन। अब प्राथमिकता से तेज बुखार जिसको आए और पिछले 12 दिनों में उन्होंने यात्रा किया हो, ऐसी जगह हाई रिस्क एरिया में यात्रा किया हो जहां सस्पेक्टेड कोरोना वायरस के पेशेंट हो, या कोई भीड़ भाड़ इलाके में आप गए हो, या चाइना से विजिट कर रहे हो, या आपके रिश्तेदार बाहर से आए हैं, किसी देश से आए हैं, आपके घर में रह रहे हैं, उनके ऐसे लक्षण पाए गए आप और उनके संपर्क में हैं, तीन लोगों को थोड़ा बचाव करना है। बचाव के 5 तरीके हैं। आपको अपने चेहरे का टी जोन, दोनों आंख, नाक और मुंह को बार बार छूना नहीं है। यदि आपका ऐसी आदत है तो इसको हटा दीजिए और कम से कम हैंड वॉशिंग, अपना हाथ धोना है हर बार, किसी भी सतह पे आप छू रहे हैं, है ना, किसी भी संक्रामक आदमी के पास गए हैं तो आपको हैंड वॉशिंग करना है कम से कम 20 सेकेंड के लिए साबुन और पानी से या डेटॉल से। आप अल्कोहल बेस्ड रब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं है तो इसकी आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है, आप साबुन पानी से धो सकते हैं। और दूसरी बात, आपको मास्क लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ये प्रोटेक्शन इतना नहीं देता है। आप अगर हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आप कोरोना वायरस पेशेंट के संपर्क में आ रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, यदि आप अस्पताल में काम कर रहे हैं, तीन लोगों को फेस मास्क की आवश्यकता है। इसमें भी 80% प्रोटेक्शन नहीं होता, सिर्फ 20% प्रोटेक्शन होता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं। तीसरा, आप अगर पेशेंट के पास जाएं तो 6 फीट की दूरी बना के रखें। चौथा, आप रेगुलर अपने हाथ धोएं, मुंह नाक ना छुएं। इतना एहतियात बरतेंगे तो आप कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। से कोई अभी तक इसके लिए कोई इलाज नहीं आया है, ना वैक्सीन आया है, बचाव ही एकमात्र इलाज है इसका, तो इससे सतर्क रहें, लेकिन घबराइए नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दिया जनता जनार्दन के लिए, जनपद प्रतापगढ़ के। अवनीश कुमार मिश्रा, प्रतापगढ़। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।